दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पवन के निक्षेप जनित स्थल रूप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। ये हमारा पार्ट थ्री है, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था। अगर हम फिर से देखें तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पे बात की थी कि पवन बेसिकली किस तरीके से अपने कार्य को करती है। उसके बाद हम लोग बेसिक को जानने के बाद पार्ट टू में इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे बात की, उसका अध्ययन किए। कुछ प्रमुख जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, हमने 9 प्रमुख इरोजनल लैंडफॉर्म्स का वहाँ पे अध्ययन किया, उनके चित्रों को समझा, उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे जो इसके निक्षेप जनित स्थल रूप हैं, अर्थात वो तो अपरदनात्मक स्थल रूप थे जो कटाव से बने थे, लेकिन ये डिपोजिशन से बनेंगे। जो अवसाद आ रहा है उसका जब कहीं पर डिपोजिशन हो गया, उससे किस प्रकार के लैंडफॉर्म बने, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत ज्यादा लैंडफॉर्म्स नहीं है। जब हम इरोजन वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे विविधता है। वहां पे हम लोगों ने ब्लोआउट, मशरूम रॉक, ड्राई कांटर, डिमोसेल्स, ज्यूजेन, यारडंग, हम लोगों ने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पर उतने ज्यादा लैंडफॉर्म्स नहीं है। बेसिकली दो तरह के हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, एक बालुका स्तूप या सैंड ड्यून्स, हम सब इसे जानते हैं और काफी प्रचलित है ये, और दूसरा लोयस। तो बेसिकली इसमें ज्यादा विविधता नहीं है, सिर्फ मेनली दो तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ हैं, एक हमारा सैंड ड्यून है बालुका स्तूप और दूसरा लोयस। तो चलिए हम लोग बालुका स्तूप से शुरू करते हैं। बालुका स्तूपों को अगर हम समझें तो ये इसका जो निर्माण होता है वो बहुत ही सरल होता है। इसके निर्माण को समझने के लिए हमें किसी बहुत ज्यादा चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली इसके निर्माण में एक जगह से रेत को पवन उड़ा के ले जाती है और दूसरे स्थान पे जमा करती है, और उससे एक प्रकार के टीले की आकृति बन जाती है, जिसे हम बालुका स्तूप कहते हैं। ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा मॉडल दिखाने का प्रयास किया है। ये मान लीजिए विंड का डायरेक्शन है, हवा या कह सकते हैं पवन इस दिशा में चल रही है, और जो अपने साथ रेत लेके आई है उस रेत को इस प्रकार से जमा करते हुए एक स्तूप का निर्माण पवन ने किया है, एक प्रकार के टीले का निर्माण किया है, यही है बालुका स्तूप। लेकिन बालुका स्तूप का निर्माण कब होगा, किन दशाओं में इसका फॉर्मेशन होगा, इन दशाओं को समझने के लिए हमें इन चार पॉइंट्स को समझना होगा। अगर रेत की अधिकता होगी तो अच्छी प्रकार से सैंड ड्यून्स का निर्माण होगा। अगर अवरोध मिलेगा, क्योंकि जब तक रास्ते में अवरोध नहीं मिलेगा तो जो पवन बालू को लेके जा रही है वो रुक नहीं पाएगा और उसका डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। तो रेत की अधिकता होनी चाहिए, मार्ग में कुछ अवरोध भी होना चाहिए, तीव्र वेग होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पवन जब तीव्र वेग से चलेगी तो ही ज्यादा रेत का परिवहन कर पाएगी। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उचित स्थान भी होना चाहिए। अब अगर अवरोध मिल गया किसी जलाशय के आसपास तो रेत पूरी की पूरी जलाशय में चली जाएगी, तो एक प्रकार, और अगर किसी गर्त में, गर्त के पास अवरोध मिल गया तो पूरी की पूरी रेत उस गर्त के अंदर चली जाएगी, तो इस प्रकार के टीले नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार के टीले अर्थात बालुका स्तूपों का निर्माण होने के लिए रेत की अधिकता होनी चाहिए, मार्ग में अवरोध होना चाहिए, पवन में तीव्र वेग होना चाहिए, और एक प्रकार का उचित स्थान भी उसे मिलना चाहिए जिससे एक अच्छा बालुका स्तूप बन सके। बालुका स्तूप का सिंपल अगर हम अर्थ निकालें इस शब्द का, तो स्तूप मतलब टीला और बालुका मतलब बालू से निर्मित, बालू से बनने वाला एक प्रकार का हमारा टीला, वही है हमारा बालुका स्तूप। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके निर्माण को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। बहुत ही सरल इसके निर्माण की प्रक्रिया है, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन इसमें एक टर्म और यूज होता है, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, अर्थात बालुका स्तूपों का प्रवास या स्थानांतरण। आपने मनुष्य का प्रवास तो जरूर सुना होगा, हम सभी करते भी हैं,
पढ़ाई के लिए कहीं जाते हैं, किसी कार्य से कहीं जाते हैं, लेकिन बालू का स्तूप भी माइग्रेशन करते हैं, वो भी पलायन करते हैं। ये चीज़ थोड़ी रोचक है, लेकिन ये होता है। इसीलिए बालू का स्तूप को पढ़ने का एक एक तो हमारा पक्ष है कि सिर्फ उसके बेसिक्स को जानना, उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझना, उसको हमने जान लिया। लेकिन जो थोड़ी सी रोचक इसमें चीज़ होती है वो है माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, अर्थात बालू का स्तूपों का पलायन। दोस्तों, जो अगर हम अपने इंडिया में देखें तो जो थार का हमारा डिजर्ट है, हम जानते हैं कि राजस्थान में अरावली, अरावली के पूर्व में जहाँ जयपुर है और बाकी हमारे जिले हैं, जयपुर है, कोटा है, और आपका कह सकते हैं उदयपुर जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो हमारे पश्चिम वाले जो जिले हैं, जैसे जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, वहाँ पर, उन स्थानों पर जहाँ वास्तव में डिजर्ट बिल्कुल शुरू हो जाता है, जैसलमेर वाले क्षेत्र, वहाँ पर आपको इस प्रकार की माइग्रेशन करने वाले सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। और हमारी जो PSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इतनी ज़्यादा वहाँ दिक्कत होती है BSF को, कि वहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए एक सैंड ड्यून आज यहाँ पर है, बॉर्डर पे है, ठीक है, कुछ समय बाद वो माइग्रेट करके चला जाएगा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो फेंसिंग होती है तार की उसको क्रॉस करके चला जाता है, ये इनकी प्रवृत्ति होती है, अब आप सोच सकते हैं। और इनकी स्पीड मामूली नहीं होती, इसमें आप देख रहे हैं कि ये विंड डायरेक्शन है, ये अभी हमने पहले सैंड ड्यून को देखा था, अब ये सैंड ड्यून क्रम से पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, ये आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हवा चलेगी वो रेत का टीला आगे बढ़ता जाएगा और पुराना वाला स्थान खाली होता जाएगा, मतलब पहले यहाँ टीला था, ये टीला जब यहाँ चला गया तो ये वाला स्थान खाली हो गया, अब ये टीला यहाँ आ चुका है, अब ये वाला टीला जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाला स्थान खाली हो जाएगा। इनके पलायन की दर हर जगह एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन जैसा कि BSF के अधिकारियों ने बताया है, वो लोग कहते हैं कि ये एक ही रात में 100 मीटर, 150 मीटर तक तो सफ़र तय कर लेते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और जनरली अगर नॉर्मल देखा जाए तो कम भी करते हैं। तो ये इसका कोई निश्चित नहीं है कि कहीं का सैंड ड्यून है तो वो कितनी लंबी दूरी हमारी तय करेगा, लेकिन हाँ, एक रात में वो ठीक ठाक दूरी तय कर सकते हैं। कि और अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जो थार का डिजर्ट है वो चूंकि हमारे बालू का स्तूप खिसक रहे हैं तो वो पश्चिमी यूपी की ओर आ रहा है, और इसीलिए थोड़ा काफी वहां पर वृक्षारोपण का कार्य भी चल रहा है एक चौड़ी पट्टी में। तो इस प्रकार की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बालू का स्तूप के बारे में, उसके डिफिनेशन, उसके निर्माण की आवश्यक दशाएं जो कि हमने यहाँ पे देखी, और इसका माइग्रेशन कैसे होता है, हमने बहुत अच्छे चित्र को देखा। इस चित्र को आप बना सकते हैं, अगर माइग्रेशन पे सैंड ड्यून के क्वेश्चन आता है या सैंड ड्यून पे आता है तो आप इस प्रकार का एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं। अब आइए हम लोग सैंड ड्यून के कुछ असली इमेजेस को देखें और समझने का प्रयास करें कि बेसिकली सैंड ड्यून रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने में कैसे लगते हैं। यहाँ पर आप सैंड ड्यून को देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका फॉर्मेशन होता है, जिसकी हमने अभी बात की पूरी प्रक्रिया की, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पवन रेत को उड़ा के ले जा रही है और कहीं ना कहीं इसका डिपोजिशन भी करेगी, तो यही इसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया है जिसकी अभी हमने बात की। ये कुछ सैंड ड्यून्स के चित्र हैं बालू का स्तूप। यह चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून को बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे ये खंबा, जो कि नॉर्मल खंबा पहले रहा होगा ऊंचा, लेकिन वो सैंड ड्यून से बिल्कुल ढक गया है, सैंड ड्यून के अंदर घुस गया, ऐसा हमारे बॉर्डर पे होता है। वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने दो शब्दावलियाँ लिखी थी बालू का स्तूप के नीचे, एक सीफ स्तूप और एक बरखान। वैगनाल्ड महोदय ने 1933 में
बेसिकली दो प्रकार के मालुका स्तूपों को बताया है। एक तो उन्होंने बताया है बरखान या बरकान कहीं कहीं लिखा होता है, और दूसरा सीफ स्तूप, सीफ ड्यून्स। बाकी बहुत सारे विद्वानों ने, हैक ने और बहुत सारे विद्वानों ने इसका विभाजन किया है, तो उतने बड़े विभाजन को ना पढ़ के हम लोग यहाँ पर वैगनार्ड महोदय के इस विभाजन को देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वास्तव में भालुका स्तूप में समझने वाली चीज़ जो थी वो हमने समझ ली है, उसका माइग्रेशन और उसका डिफिनेशन और उसके निर्माण की आवश्यक दशाएं। अब यहाँ पर हम उसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स को देखेंगे। ये दो टाइप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक बरखान और दूसरा सीफ ड्यून्स। बरखान से अक्सर प्रश्न आते हैं और अक्सर यह पूछा जाता है कि बरखान में और भालुका स्तूप में अंतर क्या होता है। बेसिकली अंतर तो नहीं होता, क्योंकि बरखान भी एक प्रकार का भालुका स्तूप ही होता है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं होता। निर्माण इसका भी रेत से होता है, निर्माण उसका भी रेत से होता है, और हो भी क्यों ना, उसी का टाइप ही तो है, उसी का प्रकार है। लेकिन हाँ, नॉर्मल सैंड ड्यून और बरखान, बरखान भी एक प्रकार का सैंड ड्यून ही है। तो नॉर्मल सैंड ड्यून जिसकी अभी हमने बात की पहले, और ये बरखान वाला सैंड ड्यून, तो बरखान सैंड ड्यून और नॉर्मल सैंड ड्यून में कुछ अंतर होते हैं, तो चलिए उसको हम देखें। इसके पश्चात हम लोग सीफ ड्यून पे बात करेंगे। पहले हम लोग बरखान का एक डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से आप बरखान का एक इजी सा फिगर तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। जो अभी हमने सैंड ड्यून की बात की वो तो टीला टीले की तरह था, जो नॉर्मल सैंड ड्यून्स होते हैं, लेकिन जो अभी हम ये बरखान के चित्र को देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का टीला ही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, बस हमें उसी पे बात करनी है। अब हम विंड डायरेक्शन को बताते हैं। देखिए ये चित्र है बरखान का। बेसिकली बरखान पर इसमें अंतर यह होता है कि इसका जो आकार होता है बरखान का, वो माना जाता है अर्धचंद्राकार या चापाकार। अर्धचंद्राकार या चापाकार इसका शेप होता है, जो कि आपको देखने में लग रहा है, ठीक। दूसरा, जिस दिशा में पवन चलती है उस दिशा में दो सींग निकली होती है। ये जिस दिशा में आपकी पवन चल रही है उस दिशा में सींग के समान आकृति बनी होती है, ये पहचान है बरखान की। आप अगर कभी रेगिस्तान में घूमने जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अंतर पता कर लेंगे एक नॉर्मल सैंड ड्यून में और बरखान सैंड ड्यून में। आपकी नज़र तुरंत जानी चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक टीला भरा है कि इसमें दो सींग जैसी आकृतियाँ निकली हुई हैं। अगर उसमें दो सींग जैसी आकृतियां निकली हुई हैं विंड डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में, अर्थात जिस दिशा से पवन चल रही उस दिशा में, इस दिशा से पवन चल रही और इसी दिशा में सींग निकली हुई है, मतलब सींग का मतलब ये सींग जैसी आकृति है, ये इस प्रकार से रेत बिछ गई है, इस तरीके से बीच में गैप हो गया है ऐसे, तो देखने में सींग जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल सैंड ड्यून नहीं है, ये बरखान सैंड ड्यून है, और बीच का भाग ऐसे आपका उठा रहता है। इस चित्र में बरखान को बहुत अच्छे से समझाया गया, जिसके भी हमने बात के निर्माण की प्रक्रिया की, वैसा ही इस चित्र में दिखाया भी गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दो सींग जैसी आकृति निकली हुई है, और यह उसी दिशा में निकली है जिस दिशा में विंड का डायरेक्शन है, तो जिसकी अभी हमने बात की निर्माण प्रक्रिया की, वैसा ही यह चित्र है।
हमारा अगला प्रकार है सीफ ड्यून्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे शब्दावलियों को लिखा है। सीफ ड्यून, अलब ड्यून, सैंड रिज, लीनियर ड्यून। सीफ ड्यून, अलब ड्यून, सैंड रिज, रेत कटक और लीनियर ड्यून अर्थात रैखिक स्तूप। वास्तव में सारे के सारे एक ही प्रकार के स्थल रूप के अलग अलग नाम हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ श्रृंखलाएं बन जाती हैं स्तूपों की। आइए देखते हैं। इस प्रकार की मान लीजिए ये एक सैंड ड्यून छोटा सा बना, फिर यहां बना, यहां बना, इधर बन गया, इधर बन गया, और बीच वाला भाग जो होता है इसके लिए टर्म यूज होता है घासी। अब आप कहेंगे घासी क्या चीज है? इसे हम कहते हैं रेत मुक्त कॉरिडोर। मतलब कि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि रेत से मुक्त होता है। यहां रेत नहीं होती, इधर कुछ सैंड ड्यून बन जाते हैं, इधर कुछ सैंड ड्यून बन जाते हैं, और बीच में फिर मान लीजिए ये खाली इलाका, फिर यहां सैंड ड्यून होंगे, फिर ये खाली इलाका, फिर यहां सैंड ड्यून होंगे। मतलब कि सैंड ड्यून्स की एक श्रृंखला पहले बनेगी, फिर खाली स्थानों का जिसे हम सहारा में गासी बोलते हैं और जनरली रेत मुक्त कॉरिडोर बोलते हैं, फिर सैंड ड्यून्स की एक श्रृंखला आएगी, फिर गासी आएगी, फिर सैंड ड्यून्स की एक श्रृंखला आएगी, फिर रेत मुक्त कॉरिडोर। तो इस प्रकार से एक कटक जैसी आकृति हमें देखने को मिलती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जैसे लगता है रिज बने हुए हैं, कटक बने हुए हैं लंबे लंबे इस तरीके से। तो इसे हम लीनियर ड्यून, सैंड रिज, अलब ड्यून या सीफ ड्यून की संज्ञा देते हैं। इस चित्र में आप सीफ ड्यून्स को आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक बालुका स्तूपों की श्रृंखला रहती है और एक श्रृंखला के बाद फिर खाली स्थान रहता है जिसे हमने गासी कहा था। तो गासी और सीफ ड्यून का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चित्रों के माध्यम से हम क्लियर कर सकते हैं। एक बार आप इस पूरे मैटर को देख सकते हैं जिसकी अभी हमने बात की। हम लोगों ने बरखान को भी समझा और ये अपने सीफ ड्यून, अलब ड्यून, सैंड रिज और लीनियर ड्यून का अध्ययन किया और हमने गासी को भी समझा। अब हम अपने आखिरी लैंडफॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लैंडफॉर्म है लोयस। यहां आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ शब्दावलियां लिखी हैं, जैसे यहाँ लिखा है लिमन। बेल्जियम में और फ्रांस में लोयस को लिमन बोला जाता है और यूएसए में इस प्रकार के लैंडफॉर्म के लिए एबोर्ड शब्द का प्रयोग होता है। तो एबोर्ड यूएसए में और लिमन बेल्जियम और फ्रांस में। इसका निर्माण बहुत ही सरल होता है, लेकिन निर्माण को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। जर्मन विद्वान फर्डिनैंड वॉन रिस्थोफन, बहुत ही बड़ा नाम जब भी जर्मन के भूगोल की बात होती है, जर्मनी के भूगोल की बात होती है, जब हम हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में जर्मन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिस्थोफन का हम गहराई से अध्ययन करेंगे। रिस्थोफन ने चीन में काफ़ी स्टडी की थी, तो लोयस की स्टडी सबसे पहले रिस्थोफन महोदय ने ही की थी और इसका नामकरण जो किया गया है वो फ्रांस के लोयस गांव के नाम पे किया गया है। तो फ्रांस के लोयस गांव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले विद्वान है जर्मन विद्वान फर्डिनैंड वॉन रिस्थोफन। इसका अध्ययन इन्होंने उत्तरी पश्चिमी चीन में किया था। ये वास्तव में पवन द्वारा उड़ाई गई धूल का निक्षेप ही होती है। बेसिकली जब हम सैंड ड्यून पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो डिपोजिशन होता है उससे एक प्रकार का टीला बन जाता है। लोयस का फॉर्मेशन भी जमाव से ही होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार का टीला ना बनके एक सिंपल रूप में वो जो भी धूल इत्यादि है वो जम जाता है, उसका डिपोजिशन होता है, हो जाता है। तो इसका निर्माण बहुत ही सिंपल है। धूल जो पवन द्वारा उड़ाई गई है वो किसी स्थान पर जा करके उसका डिपोजिशन हो जाएगा, लेकिन इसके निर्माण में भी वही सारे फैक्टर्स उत्तरदायी होंगे जो बालुका स्तूप वाले में थे, अर्थात अधिकता होनी चाहिए धूल रेत की, दूसरा मार्ग में अवरोध आना चाहिए,
तीसरा पवन में वेग होना चाहिए और चौथा उचित स्थान भी होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन में जो हमारी हुआंग हो, जो हमारी फुआंगहो नदी की घाटी है वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर हम जानते हैं कि जो मध्य एशिया के या सेंट्रल एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों से धूल रेत उड़ के वहाँ पे आई है और हुआंगहो नदी की घाटी में उसका जमा हुआ है, इसीलिए उसकी जो घाटी है वो बहुत ही पीली है और इसे पीली नदी का हम नाम भी देते हैं, संज्ञा भी प्रदान करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ चित्र जो कि हमारे लोएस्ट टॉपिक से संबंधित हैं। यह हुकोव वाटरफॉल, ये हुआंगहो नदी पर है। इसका जल आप देखें बिल्कुल पीला है, जिसकी अभी हमने बात की कि इसका कारण है लोएस्ट का डिपोजिशन जो कि हो रहा है सेंट्रल एशियन के डिजर्ट से। और ये आपकी हुआंगहो नदी बिल्कुल पीली नदी है, येलो रिवर की संज्ञा भी इसे प्राप्त है। चैप्टर को ख़त्म करने से पहले आइए एक बार हम लोग उन सभी टॉपिक्स को देख लें जिसका हमने आज अध्ययन किया, जिससे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए और ये भी पता चल जाए कि कहीं कोई चीज़ छूटी न रह गई हो। हमने सबसे पहले पालुका स्तूपों का अध्ययन किया, हमने उनके फिगर को देखा, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून को हमने समझा और किन दशाओं में सैंड ड्यून बनेगा उन दशाओं को हमने देखा, ये चार वो दशाएँ हैं। हमने सीफ स्तूप और बरखान का अध्ययन किया, इसके पश्चात हम लोगों ने बरखान और सीव ड्यून्स का विस्तृत अध्ययन किया। सीव ड्यून को अलब ड्यून, सैंड रिज, लीनियर ड्यून भी कहते हैं। हमने घासी को भी समझा और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने लोयस को देखा कि किस प्रकार से लोयस का निर्माण होता है। मित्रों लोयस में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो कि अभी तक हमने लोयस के बारे में जो जाना उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ लिखा है डिजर्ट से दूर। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो डिजर्ट से दूर होता है। है ये डिजर्ट से ही संबंधित लैंडफॉर्म, तभी हम इस चैप्टर में इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पवन अपने कार्य को बेसिकली हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा था कि एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पवन प्रभावी होती है, हमने लोकेशंस भी देखी थी। लेकिन लोयस की खास बात क्या है कि है तो ये डिजर्ट से संबंधित, लेकिन इसका निर्माण डिजर्ट से दूर होता है। जब डिजर्ट की जो धूल है, जो रेत है, वो पवन के माध्यम से उड़ के दूर दूसरे स्थान पर पहुँचती है और उसका निक्षेप होता है तो लोयस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी सी खास बात है कि इसका फॉर्मेशन डिजर्ट से दूर होता है। डिजर्ट से सिर्फ इसके निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है और वो आवश्यक सामग्री क्या है, वो है धूल और रेत, ये प्राप्त होती है। और जो इसका निर्माण होता है वो रेगिस्तान से दूर होता है। अभी तक हमने जितने भी लैंडफॉर्म देखे, चाहे विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप हों, चाहे बहुत सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हों, सब के सब डिजर्ट में ही बन रहे थे। लेकिन ये एक विशेष प्रकार का ऐसा लैंडफॉर्म है जो है तो डिजर्ट से संबंधित, निर्माण इसका उसी मटेरियल से कह सकते हैं हो रहा है, उसी पदार्थ से हो रहा है, रेत से हो रहा है या और जो कण है वहां उससे हो रहा है, लेकिन निर्माण होने की प्रक्रिया वही है, निक्षेपण हो रहा है, लेकिन निर्माण जहां हो रहा है वह स्थान रेगिस्तान से दूर है, पवन उड़ाकर उसका निक्षेप कर रही है। तो ये इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो डिजर्ट से दूर होता है, डिजर्ट से सिर्फ ये मटेरियल आता है, केवल निर्माण दूर होता है, बाकी सब जैसे अभी हमने बात की कि बाकी सब तो डिजर्ट में ही बनते हैं। तो ये इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और एक चीज और हम सैंड ड्यून में मिस कर गए थे, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उन चीजों को आइए देख लेते हैं फिर से। ये आपके सामने कुछ
शब्दावलियां लिखी हैं नेबखा, लूनेट, तारा, वेलबैक और द्रास। वास्तव में जब हम लोग सैंड ड्यून पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने सैंड ड्यून को समझा, उसके माइग्रेशन को देखा, किन किन अवस्थाओं में इसका निर्माण होता है, क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। बरखान और सीफ स्तूप का भी अध्ययन किया। लेकिन सैंड ड्यून से ही संबंधित कुछ शब्दावलियां और हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें मिस हो गई थी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चैप्टर इतने ज्यादा विस्तृत होते हैं, उनका पाठ्यक्रम इतना ज्यादा होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन ये छोटी चीजें महत्वपूर्ण जरूर होती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है नेबखा। नेबखा एक विशेष प्रकार का सैंड ड्यून होता है जो कि झाड़ियों के पीछे बनता है। लूनेट। लूनेट एक ऐसा सैंड ड्यून है जो छोटे छोटे गड्ढों या गर्तों के पीछे बनता है। तारा। तारा एक विशेष प्रकार का स्तूप होता है जो कि तारे के आकार का होता है। वेलबैक। वेलबैक एक विशेष प्रकार का स्तूप होता है जिसका निर्माण मोटी रेत से होता है, और वेलबैक के ही विस्तृत रूप को हम द्रास कहते हैं। तो नेबखा, लूनेट, तारा, वेलबैक, द्रास, ये कुछ पांच शब्दावलियां हैं जिसको कि हम प्रयोग करते हैं जब हम विभिन्न प्रकार के सैंड ड्यून्स की बात करते हैं। विस्तृत स्तर पर तो सैंड ड्यून के मेन दो टाइप्स हैं, सीफ स्तूप और बरखान। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग टाइप्स किए, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो सीफ स्तूप और बरखान है। लेकिन ये कुछ और नाम हैं जिसमें अगर झाड़ी के पीछे बनेगा तो उसके लिए नेबखा कहा जाता है उसे, अगर छोटे से गड्ढे या गर्त के पीछे बनेगा तो लूनेट कहते हैं, तारे के आकार का बनता है तो तारा स्तूप नाम दे देते हैं, अगर मोटी रेत से बना है तो वेलबैक कह देते हैं, और अगर वेलबैक का ही विस्तृत रूप है तो उसे द्रास कह देते हैं। तो इस प्रकार से बालुका स्तूपों से संबंधित ये कुछ पांच शब्दावलियां थी जिसे मुझे लगा कि इसे भी हमें जरूर अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष चीजें होती हैं जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं कहीं पर भी। तो आज हमने इनको भी जान लिया। अब आइए एक बार सारी चीजें जितने का भी हमने अध्ययन किया है सबको एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे कोई भी चीज हमारी छूटी न रह जाए। हम लोगों ने सबसे पहले पवन के निक्षेपण को थोड़ा सा समझा, उसके बाद बालुका स्तूप को देखा, सीफ स्तूप, बरखान, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून, किन किन दशाओं में सैंड ड्यून का फॉर्मेशन होता है इसको समझा। इसके पश्चात हम लोगों ने सीफ स्तूप और बरखान का थोड़ा विशेष अध्ययन किया, और अंत में हम लोगों ने लोयस को देखा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय था उसमें हमने इन पूरे टॉपिक्स का अध्ययन किया। आप इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप आसानी से अपने नोट्स में से नोट कर सकें, और इन डायग्राम्स को भी आप अपने से बना भी सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही डायग्राम बनाता हूँ। असली डायग्राम दिखाना होता है तो असली डायग्राम आपको यहाँ इसलिए दिखाए जाते हैं जिससे आप वास्तविकता से परिचित हो सकें, क्योंकि सिर्फ हाथ वाले डायग्राम से आप उस वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाएंगे। हाथ वाले डायग्राम भी मैं बनाता हूँ जिससे आप एग्जाम में इसे बना सकें। तो आप इन डायग्राम्स को समझिए और इसे आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हमने सभी प्रमुख निक्षेप जनित स्थल रूपों का अध्ययन किया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।